हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपके बहुत अच्छे वे में चल रहा होगा। तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। वायु इंटेक सेकेंड नंबर की वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग, इंटेक 225 के लिए आपका ये वैकेंसी रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3500 के अप्रॉक्स सीट्स आपका होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां से देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह भी वहां आपको मिल जाएगा। चलिए फिलहाल समझ लेते हैं, अप्लाई करने का जो डेट है ना फ्रेंड्स, 8 जुलाई, मतलब 8 जुलाई से शुरुआत होगा एंड लास्ट डेट आपका 28 जुलाई रहेगा। फॉर्म फी की बात करें तो सभी कैंडिडेट से 550 यानी 550 रुपया फॉर्म का फी रहेगा। अब देख लेते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट, आपका एग्ज़ाम कब होगा। 18 अक्टूबर 2024 को ये डेट ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है, तो आप एकदम तैयार रहिएगा। 18 अक्टूबर से पहले सारा कुछ अपनी तैयारी मजबूत रखिएगा। देखिए, इसमें दो तरह के पोस्ट होते हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। जो एक्स ग्रुप होता है वो साइंस सब्जेक्ट से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10+2 यानी इंटर में आपका मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। ओवरऑल आपका कम से कम 50% होना चाहिए और इंग्लिश के जो सब्जेक्ट है उसमें 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ये आपका एक्स ग्रुप के लिए था। वाई ग्रुप जो कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट के बच्चे हैं, 10+2 में उनका 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में इनका भी कम से कम 50% होना चाहिए। चलिए फिलहाल तो आपने सारी बेसिक डिटेल समझ ली है, अभी समझते हैं कि सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है, किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। योर सिलेक्शन इज डिपेंडेड ऑन मेजर 3 स्टेजेस। सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द ऑनलाइन CBT, कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास करनी होगी। फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद सिंपल सा मेडिकल, फिर आएगा मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम और ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए ज्वाइनिंग लेटर तक की सारी प्रोसेस को इन डिटेल समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप है तो दोनों का अलग अलग है। और मान लीजिए कि आपके पास क्वालिफिकेशन दोनों के लिए, मान लीजिए आपने साइंस से है ले रखा है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका भी एक कंबाइंड एग्जाम पैटर्न है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जो एक्स ग्रुप वाले बच्चे होंगे उनके लिए 70 क्वेश्चन का परीक्षा होगा, 60 मिनट यानी कि 1 आवर का एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 यानी 0.25 की होती है। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो एक्स ग्रुप के लिए इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 यानी 25 क्वेश्चन, मैथ से हो जाएंगे 25, ओवरऑल आपका 70 क्वेश्चन रहेगा 70 नंबर के लिए। जो वाई ग्रुप के बच्चे हैं जिनका कि साइंस स्ट्रीम नहीं है, उनका रहेगा इंग्लिश का 30 क्वेश्चंस रहेगा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, टाइम 45 मिनट्स का रहेगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1/4 यानी 0.25 की हो जाएगी। तो ये वाई ग्रुप के लिए हो गया। और जिन्होंने बोथ एक्स एंड वाई दोनों के लिए अप्लाई किया होगा उनका एग्जाम जो होगा फॉर 100 क्वेश्चन 85 यानी 85 मिनट आपको समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 का होगा। और सब्जेक्ट की अगर बात करूं, इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जीके और सॉरी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के कंबाइंड में आपको 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये एक्स एंड वाई बोथ के लिए है। इनमें से कोई भी अगर आप एग्जाम देते हो उसको क्वालिफाई करोगे तब आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल में क्या सब पूछेगा, चलिए देखिए, फिजिकल में सबसे पहले तो आपका हाइट मेजर किया जाता है। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर, 152 और इधर क्या है 152.5। चेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, 77 to 82 मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए।
फिर आपकी रनिंग यानी कि दौड़ प्रतियोगिता होगी जिसमें कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में कंप्लीट करना है, फीमेल्स को 8 मिनट में करना है, मतलब 1600 मीटर मेल फीमेल दोनों के लिए रनिंग है। फिर आपका पुशअप्स होगा, 10 लगाने होंगे 1 मिनट में मेल कैंडिडेट को, फीमेल्स के लिए नहीं रहता है पुशअप। उसके बाद आपका सीटअप्स होता है, 10 लगाने होते हैं 1 मिनट में मेल कैंडिडेट को, 10 लगाने होते हैं 1 मिनट 30 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट्स को। उसके बाद आपका स्क्वाट्स होता है, 20 लगाने होंगे 1 मिनट में फॉर मेल कैंडिडेट, 15 लगाने होंगे 1 मिनट में फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो ये हो गया आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिजिकल के बाद आपका सिंपल सा मेडिकल होता है, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगी और ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो जब आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जाएगा तो आपको सर्व करना होगा ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे एयरफोर्स आपको एलोकेट करेगी। और जब आप सर्विस करेंगे तो सैलरी आपको जो मिलती है ना, शुरुआत होती है 30,000 से और बाद में आपको 40,000 पर महीने दिया जाता है। इसमें बहुत सारे पर्स अलाउंसेस भी होते हैं जो कि आपको नोटिफिकेशन में लीव का क्या रहता है, इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये अग्निवीर के तहत होती है तो 4 साल की सर्विस रहेगी। तो आई होप कि अभी इस पोस्ट की सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब भी कुछ डाउट है, पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करके जाना आप, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।